रविवार को लोकसभा के अंतिम व सातवें चरण का मतदान हो रहा है, जहां इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में ग्रीनफील्ड स्कूल में बने मतदान केंद्र पर हमेशा दृष्टिहीन कल्याण संघ की 37 दृष्टिहीन छात्राओं का मतदान संस्था की चेयरमैन डॉली ने कराया। ईवीएम पर दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि में चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होने से छात्राएं अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाई। छात्राओं ने कहा कि अगली बार से ब्रेल लिपि में उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह अंकित किए जाने चाहिए और नंबर ही इन बच्चों को समझा देता है कि भी इस नंबर पे इसका है, बंजे का है या कमल है इस नंबर पे, इतना बच्चों को समझा दिया गया। लेकिन यदि इसकी बजाय यदि ब्रेल में पूरा लिखा होता कि भाजपा कमल मतलब ना सिंबल भी बने थे, सिंबल बने लेकिन वो कमल ऐसा बना हुआ है, फोटो बने हुए कमल के जो भी लिखा हुआ है ब्रेल में तो नहीं लिखा है ना। चुनाव चिन्ह का जो फोटो चुनाव चिन्ह सिंबल ब्रेल में उभरा हुआ चिन्ह बना हुआ था, उभरा हुआ चिन्ह नहीं था, तो फिर इन लोगों को मदद लेना पड़ी आपकी। हाँ, मदद थोड़ा लेना पड़ा, बच्चों को समझाना पड़ा कि भाई इस नंबर पे ये है पंजा है, इस नंबर पे कमल है भाजपा है, मतलब इस तरह से उनको समझाना पड़ा क्योंकि सिर्फ नंबरिंग डली थी ब्रेल में। हाँ, पूरा पहली बार वोटिंग किया है इन लोगों ने? नहीं नहीं दूसरी बार। तो पिछली बार भी मांग उठाई थी? हाँ, ये मांग उठाई थी। फिर किसी ने सुना? नहीं, नाम बता सुना होता क्रमांक तो डले हैं, अधूरा अधूरा काम हुआ है। पूरा यदि लिखा होता भाजपा कांग्रेस वगैरह तो ज्यादा अच्छा रहता। नाम बता दीजिए आपका। मिसेस चंद्रप्रभा ठाकुर।